श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीन महीने की इस अधिक मास की शिवरात्रि का भी उपाय कर देखना कि ऐसी शिवरात्रि जो अधिक मास में आ रही है। हर महीने शिवरात्रि आती है, पर ये जो अधिक मास की शिवरात्रि है 183 वर्ष के बाद आएगी। फिर बहुत आराधना पूजन स्मरण और निवेदन करूंगा, जिनको शरीर में कष्ट है, बहुत बीमारियां अगर लगी हुई हैं, तकलीफें लगी हुई हैं, कष्ट बहुत, शरीर में रोग ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं, शुगर बीपी, मैं तो शुगर वालों से भी कहूंगा, यदि आपको ज्यादा तकलीफ है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इंजेक्शन लेना पड़ रहे हैं, तो एक प्रैक्टिकल अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर करना है, बहुत दिल से करना। एक 108 बेलपत्र, 51 शमी पत्र, 51 शमी पत्र और 108 बेल पत्र, 51 शमी पत्र, 7 कमल के पुष्प, कमल के पुष्प पर हल्दी लगाना है आपको, पिसी हुई हल्दी, 7 कमल के पुष्प, सबसे पहले 7 कमल के पुष्प समर्पित करना है भगवान शिव को, अपना नाम गोत्र बोल, उसके बाद में 51 शमी पत्र और 108 बेलपत्र भगवान शिव को, भगवान शंकर का नाम लेकर जो आपके रुचि में आ जाए, जैसा आपके मन में आ जाए, जिस भाव से आप भगवान को रिझालें, उस भाव से भगवान का नाम लेकर शिव को समर्पित करें। ये कमल का पुष्प, ये बेलपत्र, शमी पत्र, तो जो खड़े होकर बेलपत्र चढ़ाने वाला जो शिवलिंग है, अर्थात आपको देखकर पहले वर्णन करा है उसका, कि जो शिवलिंग भूमंडल पर हो, पृथ्वी पर हो, अर्थात एकदम फ्लैट जगह पर जो शिवलिंग होता है, एकदम सिंपल जगह पर, फ्लैट जगह पर जो शिवलिंग, वहां पर आपको बैठकर बेलपत्र चढ़ाना होता है, एकदम जमीन पर, एकदम जमीन पर जो लगा हुआ आसपास जलाधारी बनी हुई है और शिवलिंग नीचे बैठकर, और जो शिवलिंग डमरू आकृति का होता है, अर्थात उसकी जो जलाधारी होती है वो नीचे से डमरू आकृति, अर्थात पहले ऐसा भाग होता है नीचे से, फिर ऊपर ऐसा भाग होता है, फिर जलाधारी लगी होती है, उसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है महाराज। तो ये जो बेल पत्र चढ़ाना है, शमी पत्र चढ़ाना है, आपको कमल का पुष्प चढ़ाना है, ये जो डमरू आकृति का जो शिवलिंग है उस पर खड़े, सम्मुख में खड़े होकर आपको वो शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाना है, बैठ कर नहीं, आसन लगाकर नहीं, पालकी सजा कर नहीं, हरण पर पुष्प बेलपत्र और शमी पत्र समर्पित करना। जब चढ़ा दें शिवरात्रि के दिन, समर्पित कर दें जगह महाराज, 15 से 20 मिनट वहां बैठकर शिव नाम का स्मरण करें, शिव नाम का भजन करें, शिव नाम का स्मरण करें, और बाद में शमी पत्र और बेल पत्र, इन दोनों को लेकर आना है, केवल कमल का पुष्प चढ़े रहने देना, शमी पत्र और बेल पत्र दोनों लेकर आना है। शमी पत्र एक पात्र में जल रखकर उसमें डाल देना, एक कमल शमी पत्र और 108 जो बेलपत्र है उसको लेकर आपको बड़े प्रेम से, आप धोकर तो लेकर जाएंगे शरीर पर, एक एक बेलपत्र को आपको भाव से, प्रेम से भगवान शिव का स्मरण कर रात्रि के 12 बजे पहला बेलपत्र खाना और बाकी के बेलपत्र रखना, फिर घड़ी मिलाना,
आराम से तीन या चार घंटे का गैप हो जाए फिर बेलपत्र को खा लेना। गला पकड़ रहा है उसको देखिए राधे हर हर महादेव हर हर महादेव। बिल्कुल तीन चार घंटे का गीत करना फिर खाली फिर तीन चार घंटे का गीत करना फिर खाली निरंतर लगभग 108 बेल पत्र आराम से भोजन भी करो चाय भी पियो मना नहीं है पर चार चार घंटा तीन तीन घंटा का गीत कर कर उस बेल पत्र को पाता रहे। बाद में शुगर की चाहो तो जांच करा चाहे तो जाकर आप डॉक्टर को दिखाओ आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी शुगर लेवल पर ही मिलेगी ऊंची नीची नहीं जा सकती। पर करना यही अश्विन के अधिक मास के शिवरात्रि ऐसा शिवरात्रि जिंदगी पर्यंत नहीं मिल सकती। दुनिया में घूम आए उसके बाद भी सुख नहीं मिला तो एक बार इस अधिक मास की शिवरात्रि का भी उपाय कर कर देखना। शायद मुझे उम्मीद है जिंदगी भर तो दुख झेलोगे नहीं सुख इतना झेलोगे सुख का अनुभव इतना होगा कि दुख कहां गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये मुझे उम्मीद है मेरे विश्वनाथ की कृपा अगर हो गई बस उसका अनुमोदन करो उसका स्मरण। पांच बेर बोर जो खाते हैं खाते ना बेर जो बाजार में आते हैं बोर जो आते हैं खाने वाले पांच बेर पांच जो जानते हो वो जो हवन में डलती पांच जो पांच श्वेत पुष्प पांच कमल गट्टे पांच काली मिर्च अपनी कामना कर कर ठीक दोपहर के 12 बजे अश्विन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाओ झोली पसार कर निवेदन करो और बाबा को 11 दीप घी के दिए 11 शिव जी के सामने जला दो। वापिस आओ शाम के समय जाकर एक चौमुखी दिया भगवान शंकर के मंदिर के सामने चौखट के बिल्कुल बीचों बीच सम्मुख में जलाकर आ जाइए। जिंदगी में कभी दुख नहीं मिलेगा ये विश्वास रखना। शिव पूर्ण देगा कभी खजाने में कमी नहीं आ सकती भंडार वो भरेगा।